करना ना भूले मेरे चैनल स्वेता क्रिएशंस को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। मैं आज से कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आज से आप लोगों से मेरे सारे चीजें तो आती है, आप सब वो सब तो देखने को मिलेगा। मतलब मैं रिलेशनशिप के ऊपर मैं वीडियोस डालूंगी और उस वीडियो का एक मैं प्लेलिस्ट बना के रखूंगी, और जब कभी भी किसी भी टॉपिक पर रिलेशनशिप के ऊपर जो टॉपिक होगा मैं उसी पे रखूंगी। अगर आप लोग चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में लाकर उसे देखेंगे तो बारी बारी में मैं जो जो वीडियोस डालूंगी आप लोगों को दिखाई देगा। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को दबाया होगा, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों तो अपने आप ही नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज मैं बात करूंगी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के ऊपर। और हाँ, मैं सिर्फ औरत हूँ इसीलिए और मतलब लड़कियों के या पत्नियों के बारे में बताऊंगी वैसी कोई बात नहीं है। आप हर रिलेशन के ऊपर मैं टॉपिक्स पर मैं बात करूंगी, गौर से सुनिएगा जरूर। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता किस चीज पर होता है और कैसे उसे हम स्ट्रांग कर सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग रहता है, कैसे मजबूत होता है? मेरे हाथ को देख रहे हैं? इस बात में मैं बात पे आती हूँ। पहले हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए क्या चाहिए होता है? मेरे हिसाब से इन चीजों की जरूरत होती है प्यार, भरोसा, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति विश्वास, ऐसी कुछ चीजें हैं। प्यार, भरोसा, मतलब सब एक चीज के अलग अलग नाम है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए एक रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए। पति पत्नी नाम दो होते हैं पर वो होते एक है। मतलब एक मतलब सिर्फ बोलने से नहीं, वो करने से एक होगा। क्यों एक बोला जाता है? ये पति है, ये पत्नी है, अकेले अकेले क्या खूब सुंदर दिखाई देता है? जब दोनों मिलते हैं तो कितना खूबसूरत हो जाता है ना ये, और मतलब भी बदल जाता है। अकेले अकेले कैसा लगता है? अकेले तो जैसे झांपड़ देंगे, अगर मिला लेंगे तो कितना रेस्पेक्ट, खूबसूरत कैसे दिखाई देता है। बस यही मैं बताना चाहती हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार भरोसा हो तो वो दोनों हमेशा ऐसे मिलके रहते हैं और खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी, ये दोनों में थोड़ा सा भी टकरार आ जाए, अच्छा नहीं लगता, ऐसे अलग हो जाते हैं। ऐसे तो होते हैं पर जब उनमें प्यार, विश्वास, एक दूसरे के प्रति समर्पण आ जाता है ना, तो वो ऐसे हो जाते हैं। और जब वो पूरी तरह उस प्यार में डीप हो जाते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। उनका रिश्ता अगर जब मजबूत हो जाता है ना तो ऐसे हो जाता है। मतलब आप तो समझते हैं इसका मतलब, कितना भी खींचे टूटता नहीं है। तो हमेशा रिश्ते को ऐसे रखना होगा। तो समझ गए कैसे स्ट्रांग बनाते हैं? इस रिश्ते के लिए दोनों ही अपने अपने तरफ से पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। समर्पण की भावना होगी वो तभी एक पति हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कामयाब हो पाता है। अगर इस रिश्ते के बीच ईगो नाम की चीज आ जाती है तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा आज का ये बताना था कि अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप पूरी तरह स्ट्रांग करना होगा तो मैंने जैसे कि पहले बताया, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के प्रति एक जैसा सम्मान, प्यार, समर्पण और भरोसा,
अगर दोनों एक दूसरे को एक जैसा ही समर्पित भाव से देंगे ना, तो उनसे अच्छा रिश्ता और किसी का नहीं हो सकता। तो अगर किसी भी किसी के भी मन में आया हो क्यों हमारा रिश्ता सक्सेस नहीं है, बाहर तो सब लोग नॉर्मल बिहेव करते हैं, किसी का भी कपल को हम देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि उनके बीच भी कुछ भी नोकझोंक होती है, पर उनके बीच अंदर से वो दुखी होते हुए भी बाहर की तरफ दिखाने के लिए वो सब वो करते हैं। ठीक है, आप लोग बाहर अपना रिलेशनशिप की खूबसूरती दिखाना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर वो अंदर से भी स्ट्रांग कीजिए। कोई रिश्ता अगर बाहरी बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए बने तो वो 5 साल चलता है, अगर वो अंदर से स्ट्रांग हो तो वो 50 साल चलता है। तो ये सोच समझ कर चलिएगा। और आप लोगों को ऐसे मेरा आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और ऐसे और कौन से टॉपिक पर, कौन से रिलेशनशिप पर आप कुछ जानना चाहते हैं उस बारे में भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस चीज पर वीडियो बनाऊंगी। और आप लोगों का अगर कोई हर रिलेशनशिप के ऊपर आपको कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मेरे से जितना बन पड़ेगा, मुझे जितना पता होगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी।